बढ़ते आगे रुक करते हैं कुछ और खबरों का। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। सरकारी स्कूलों में हजारों पद खाली पड़े हैं, इनको भरने के लिए हरियाणा सरकार ने नई योजना बनाई है। क्या योजना है इस रिपोर्ट में देखिए। सेवानिवृत्त टीचर होंगे भर्ती, प्रदेश में हजारों शिक्षकों के पद खाली, मंजूरी के लिए सीएम को भेजा पत्र। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के हजारों पद खाली हैं। इन खाली पदों पर भर्ती के लिए शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री को अप्रूवल के लिए भेजा है। मुख्यमंत्री की अप्रूवल आने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भर्ती प्रक्रिया में समय लगेगा, इसलिए बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो इसलिए सेवानिवृत्त टीचरों की भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा के अलावा आसपास के प्रदेशों से भी शिक्षक आवेदन कर सकते हैं। शिक्षकों के पद खाली है, उसी पे ही हम जो है इस प्रकार की छूट हम दे के जो टीचरों को रख रहे हैं उसके लिए ही कर रहे हैं। और जल्दी उसमें हमने कुछ टीचरों के लिए तो अभी हमने लिख के भेज भी दिया, आज भी कुछ टीचरों के लिए लिख के दिया, मुख्यमंत्री जी के पास फाइल है और जल्दी उस पर साइन हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ उस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो हम टीचरों की भर्ती तो करने लग रहे हैं लेकिन इस सारे प्रोसेस में टाइम लगेगा। तो हमने इसलिए जो है बाहर से टीचर जो रिटायर हैं उनको इसलिए लिया कि जब तक हम नई टीचरों की भर्ती करते हैं तब तक बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई इंतजाम नहीं। इस योजना में हरियाणा सरकार ने नई चीज ये जोड़ी है कि सिर्फ हरियाणा के ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के रिटायर्ड टीचर भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 1 जुलाई 2022 से सरकार ने ERTS नाम का पोर्टल ऑनलाइन आवेदन के लिए खोल दिया है। इस पोर्टल के जरिए दूसरे राज्यों के रिटायर्ड टीचर भी हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर पढ़ाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। ERTS पोर्टल पर रिटायर्ड अध्यापक को अपना बायोडाटा डालना होगा जिसके बाद मेरिट और एक्सपीरियंस के आधार पर रिटायर्ड अध्यापकों की नियुक्ति होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।